अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट। अस्सलाम वालेकुम, हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। रिश्ते बिकते हैं, आज हम आपको इसमें बताएंगे कि माशरे के कितने बड़े नासूर और लानत को बयान किया गया है कि कैसे लोग दौलत के पीछे भागते हैं और लोगों की इज्जत नफ्स ख़राब करते हैं, ख़ासकर वो औरतें जिनके बेटे होते हैं, जहेज़ के नाम पर दूसरों को लूटती हैं और अपने घर भरती हैं, ये जाने बगैर कि बेटियों के वालदैन कितने मजबूर होते हैं बेटियों के घर बसाने के लिए भारी भारी जहेज़ देने के लिए। इस ड्रामे में भी चार ख़ानदानों को दिखाया गया है। एक ख़ानदान वो है जहाँ सिर्फ बेटियाँ ही होती हैं, जो रिश्ता ना मिलने पर बैठी हुई होती हैं। दूसरा ख़ानदान खालदा का, वो भी एक बेटी की माँ होती है। दोनों माँ बेटियाँ सीधी सादे मुखलिस होती हैं, हमेशा दूसरों के काम आने की कोशिश करती हैं। तीसरा ख़ानदान फरद का होता है, जो कि बेवा होती है मगर तीन बेटों की माँ भी होती है। अपनी बहन की मदद से अपने बेटों को पाल पोस कर जवान करती है, मतलब परस्त खुदगर्ज़ होती है और मतलब निकालने के लिए अपने बेटे की मंगनी बहन की बेटी ज़ेबा से भी कर देती है। बहन से पैसे लेकर बेटे को कारोबार करवाती है। कारोबार जमते ही ज़ेबा से मंगनी तोड़कर एक और चौथे ख़ानदान की अमीर लड़की हानिया से कर देती है, जो कि बिगड़ी हुई होती है। अफ़ान भी माँ की तरह लालची खुदगर्ज़ होता है। उसका ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ दौलत और साशिया इकट्ठी करना होता है। वो हानिया के वालदैन से भी भारी जहेज की उम्मीद रखती है, लेकिन जब नहीं मिलता, क्योंकि हानिया का बाप एक ईमानदार शख्स होता है, इसी बात पर फर्क बिगड़ भी जाती है। ज़ेबा की शादी अपनी बहन को दोबारा बहला फुसला कर अपने निकम्मे आवारा खट्टू बेटे हमाद से करवा देती है, जो कि निकम्मा सुस्त और कामचोर होता है। वो भी ज़ेबा की इज्जत नहीं करता, सिर्फ इस वजह से कि उसे उनके घर से बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, और जब उसे पैसे नहीं मिलते तो वो ज़ेबा जैसी शुगर लड़की को भी घर से निकाल देता है। बेशक ड्रामे के एंड में इन लालची लोगों को सज़ा तो मिलती है, हानिया लोगों को छोड़ देगी, इनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा और बचा कुचा जो कुछ होगा माद उजाड़ देगा। इस ड्रामे में ये बताने की कोशिश की गई है जहेज एक बहुत बड़ी लानत है। इसके नाम पर कितनी लड़कियां कवारी बैठी रह जाती हैं, कुछ बूढ़ी हो जाती हैं, उनकी शादी नहीं हो पाती, वो भी सुकून से नहीं रह सकती। दौलत ही सब कुछ नहीं होती, इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।